चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है सिमलीपाल जंगल में आग। सिमलीपाल जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, वहां हाल ही में वन क्षेत्र में आग लग गई थी। ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि उस आग को काबू पाना थोड़ा कठिन हो गया था। आज जो हमारा विषय है इसी पे ही बेस्ड है। इस पूरे विषय में हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है और इस एरिया के बारे में बात करेंगे कि इस एरिया में आग आखिर लगती क्यों है, क्या ये प्रायकर लगती ही है, रोका कैसे जाता है। फिर हम बात करेंगे सिमलीपाल के भौगोलिक और पर्यावरणीय एनवायरनमेंट और हर उस परिस्थिति स्थिति के बारे में जो यहाँ से संबंधित है, यानी कि हम हर एंगल से बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विषय चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सिमलीपाल वन आरक्षित क्षेत्र में अक्सर शुष्क मौसम की स्थिति के अंदर आग लग जाती है। आग तो वहाँ पे लग जाती है, लेकिन इस बार ये आग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे काबू नहीं पाया जा सका। ये आग लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा तक लगी रही और इस आग को एक हफ्ते के बाद काबू में पा लिया गया, लेकिन इसके बाद कुछ प्रश्न उठते हैं। वो प्रश्न हम अब देखेंगे कि पहला प्रश्न ये उठता है कि सिमलीपाल के जो वन है वो अग्नि उन्मुख है क्या, यानी कि वो फायर प्रोन है क्या, आग लगना उस वन की आदत है क्या, साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसको हम जानने के लिए देखेंगे कि वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है। एनवायरनमेंट की बात करें तो जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं और जब सर्दियों का अंत होता है तो उस समय ये जंगल आग की चपेट में आ जाता है। लेकिन ये घटना तो वैसे हर साल होती है, लेकिन वहाँ वर्षा की स्थिति कुछ ऐसी रहती है कि वर्षा में गैप कम होता है, यानी कि कुछ कुछ दिनों के अंतराल में वहाँ बारिश होती रहती है। इसकी वजह से ये आग की घटनाएं, आग लगती हैं और अपने आप बुझ जाती हैं, तो प्रायकर बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर वर्षा की स्थिति की वहाँ बात की जाए तो हर साल जनवरी और फरवरी में वहाँ औसतन 10.8 और 21 मिलीमीटर तक वहाँ पर बारिश होती है। तो ये वहाँ का रहता है बारिश का जो भी आंकलन है। अब इसके साथ ही वहाँ पे जो जंगल पाया जाता है वो है पर्णपाती वन, यानी कि पत्तियाँ झड़ जाती हैं। अब गर्मी का मौसम है, साथ में पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो आग लगने के लिए बिल्कुल ही अनुकूल एनवायरनमेंट है। ऐसे में आग लगना स्वाभाविक है। गिरी हुई पत्तियाँ आग जल्दी पकड़ती हैं और ये अधिक संवेदनशील भी होती है आग के उसमें, और इसको फैलने में भी ये सुविधा प्रदान करती है। तो ये सारा तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर कि क्या ये जो है फायर प्रोन है क्या ये, तो हाँ ये कुछ चीज़ें हैं, बट इस तरह की भयंकर आग जो है अभी हर साल लगती है क्या, तो ऐसा भी नहीं है। इस तरह की भयंकर आग इससे पहले 2015 में लगी थी। अब हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे कि ये जो सिमलीपाल में जो आग लगी है अभी, उसके एग्जैक्ट रीजंस क्या है। दो रीजंस हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानव जनित। प्राकृतिक रीजन में तो क्या होता है कि पर्णपाती वन एक प्राकृतिक कारण है, दूसरा गर्मियों का मौसम कि वहाँ बढ़ता हुआ तापमान आग का कारण बनता है, ये एक सामान्य कारण है। मानव जनित कारणों में क्या होता है कि अधिकांशतः जो आग लगती है वो इसी की वजह से होती है। अब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक जो कारण है, उन कारणों को तो ब्रॉडकास्ट करके रोका जा सकता है, पहले चेतावनियां दी जा सकती है, लेकिन मानव निर्मित कारणों को कभी कभी रोकना थोड़ा मुश्किल भी होता है। सूखे पत्तों और पेड़ों के अवशिष्ट में अगर एक चिंगारी भर लग जाती है तो ये आग जो है बहुत बड़े पैमाने पर फैल सकती है, जैसा कि इस बार भी हुआ है। तो आग लगने का ये कारण है। मानव निर्मित अगर कारणों की बात करें तो पहला कारण इसमें आता है शिकार। यहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, प्रायकर शिकार करते हैं। जानवरों को भगाने के लिए वो जो है आग के कुछ छोटे छोटे पैचेस फेंकते हैं, जिससे क्या होता है आग बड़े पैमाने पर लग जाती है। दूसरा कारण इसका है महुआ के फूल। यहाँ महुआ के फल जो है इस जंगल में पाए जाते हैं। महुआ एक फल होता है जिससे एक नशीला पदार्थ बनाया जाता है। महुआ के फलों को एकत्र करने के लिए वो वहाँ पत्तियों को इकट्ठा करके ज़मीन को साफ करने के लिए वहाँ उसमें आग लगा देते हैं। इससे भी आग भड़कने की आशंका और संभावना बढ़ जाती है। तो ये मानव जनित कारण है। और गर्मियाँ जब शुरू होती हैं तो अभी जब कभी कभी हीट वेव बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर होती है तो ये भी स्थिति को बनाने में सहायता करता है।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इस तरह की जो आग लगती है उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे रोका जाता है। इस तरह की आग को आम तौर पर प्राकृतिक रूप से बारिश आके अपने आप रोक देती है। तो ये तो प्राकृतिक उपाय भी हो गया। मानव जनित अगर आप उपायों की बात करें तो इस तरह की आग से पहले भविष्यवाणी यानी कि ब्रॉडकास्ट हो सकता है। इसके अलावा समुदाय के सहित सदस्यों सहित घटना को कम करने के लिए एक दूसरे को सचेत भी किया जा सकता है। आग की पंक्तियों का निर्माण भी किया जा सकता है। सूखे बायोमास के समाशोधन स्थलों का निर्माण भी किया जा सकता है और इसके अलावा शिकारियों पर नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। तो ये कुछ समाधान है जिससे कि आग को रोका जा सकता है। सिमलीपाल में आग कैसे लगी, कितनी लगी, क्या उपाय हैं, क्या क्या कारण हैं, इन सब पे हमने बात कर ली। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रश्न जो हमारे जहन में आता है कि सिमलीपाल का महत्व आखिर इतना क्यों है, तो उसके लिए हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सिमलीपाल का नाम सिमूल नामक पेड़ से लिया गया है जो कि रेशम कपास होता है, इसी के नाम पे इसका नाम सिमलीपाल पड़ा है। और ये राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है जो ओडिशा के मयूरभंज में स्थित है। यही इसकी खासियत है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत सरकार ने इसे 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे पौधों और बहुत सारे जानवरों की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं जिनके संरक्षण के लिए ही इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो एक बार मैं पुरानी स्लाइड पे वापस जाऊंगी। आपको कुछ और बताना भी ज़रूरी है जिससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। जैसे कि आप इस चित्र को देखिए, यहाँ आपको जो सबसे गहरा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ये है सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके बाद में जो कम हरा दिखाई दे रहा है ये है सिमलीपाल सेंचुरी में आता है ये। और यहाँ पर ये जो सबसे लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है ये है टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और ये जो एरिया है वो बिल्कुल पूर्वी भारत में और उड़ीसा के पूर्वी छोर पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये इसको देख के डायग्राम को आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसके साथ ही यहाँ पर पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर जानवरों की भी, पशु पक्षियों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सिमलीपाल के अंदर बहुत सारी जीव प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं जिसमें से एक मुख्य है पैराडॉक्सस ज़ोरांडेसिस। ये एक मूल्यवान और स्थानीय जीव प्रजाति है। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी का भी ये ग्रह है यानी कि घर है। तो इस सब के लिए ये प्रसिद्ध है सिमलीपाल बायोस रिजर्व जो है। यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। रिजर्व का मतलब ही होता है कि इसको संरक्षित किया गया है ताकि वो वैसे का वैसा ही बना रहे, जैसा वो है, उसका दोहन शोषण ना हो। लेकिन इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि उस इलाके में लगभग 1265 गाँव हैं जहाँ लगभग 73% आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासी जो होते हैं उनका जीवन जंगल से ही चलता है। और यहाँ दो जनजातियाँ हैं, पहली है एरेंगा केरिया और दूसरी है मैनकर्डियास। ये दोनों इन जंगलों में निवास करती है। पारंपरिक कृषि गतिविधियों से ये अपना जीवन यापन करती है। और इसके अलावा दो और जनजातियाँ हैं जिसमें से एक आता है गोंडा और दूसरा आती है मुंडा। ये जनजातियाँ भी उड़ीसा में इसी इलाके में रहती हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति में अगर बात करें तो इसमें कुछ इससे कुछ सांस्कृतिक महत्व भी निकल कर आते हैं। बहुत सारी पौराणिक कथाओं जिनमें रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं में इस एरिया का जिक्र आता है और यहाँ से जुड़े स्थानीय स्थलों का जिक्र आता है। कुछ कहानियों की अगर मैं बात करूँ तो शमी वृक्ष जो कि सिमलीपाल में पाया जाता है, इसके लिए कहा जाता है कि अर्जुन अपने धनुष बाण को इसी शमी वृक्ष के अंदर छुपाते थे। भगवान राम का स्नान स्थल भी इसको बताया जाता है। इसके अलावा देवी अंबिका के कुछ अधिवासों के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। तो सांस्कृतिक महत्व भी इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा बताया जाता है। अब हम बात करेंगे कि असल में बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, मतलब किसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है ये, यानी कि
जो नेचुरल है कोई एरिया वो बना रहे, इसी के लिए इसको बनाया जाता है। इसका विस्तार स्थलीय और जलीय तटीय दोनों जगहों पर होता है और दोनों को मिक्स करके भी इसको बनाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैव भौगोलिक क्षेत्र या कोई प्रांत, यानी कि ये एरिया ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर आधा तटीय इलाका हो, जलीय इलाका हो और आधा भूमिगत इलाका हो, उनको मिक्स करके भी बनाया जा सकता है। मेन उद्देश्य उस एरिया का प्राकृतिक सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व ये करता है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि आखिर में बायोस्फीयर रिजर्व की बात आती कहाँ से है। इसका सबसे पहले जिक्र आता है 1971 में यूनेस्को से। यूनेस्को का एक कार्यक्रम था जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर। यहीं से सबसे पहले इसके बारे में बात आती है और इसी मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत जैवमंडल रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। विश्व का सबसे पहला जैवमंडल रिजर्व 1979 के अंदर स्थापित होता है। तभी से जैवमंडल रिजर्व का जो नेटवर्क है बढ़ता गया और आज के टाइम में 117 देशों में 610 बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और इन बायोस्फीयर रिजर्व को जो 100% अनुदान है बायोस्फीयर रिजर्व योजना के तहत मिलता है। अब हम बात करें भारत की तो इंडिया में कितने जो 18 है, यहाँ से बात करते हैं हिमाचल के अंदर, सॉरी उत्तराखंड के अंदर कोल डेजर्ट है, नंदा देवी हिमाचल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर अगर हम असम की बात करें तो यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं, एक मानस और एक डिब्रू जो है ये दिखाई दे रहा है। नोक्रेक मिजोरम में है, ये नागालैंड में दिख रहा है। दिहांग देबांग बंगाल में, सुंदरबन सिमलीपाल उड़ीसा में है ही। एमपी में तीन दिखाई दे रहे हैं, पन्ना पंचमढ़ी और अमरकंटक। फिर इसके बाद में एक ये यहाँ पे नीलगिरी, चार साउथ में दिखाई दे रहे हैं और एक ग्रेट निकोबार। तो अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि भारत के ज़्यादातर बायोस्फीयर रिजर्व जो है सिर्फ एक को छोड़ के सारे पूर्वी भाग में है, पूर्वी भारत में है या इधर है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें इनके मापदंडों की, यानी सॉरी मानदंडों की, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या मानदंड होने चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला इसके लिए, सबसे पहला क्या, इसका बेसिक जो है मानदंड यही है कि प्रकृति के संरक्षण के दृष्टिकोण से एरिया को संरक्षित और न्यूनतम अशांत क्षेत्र बनाना, यानी कि जो एरिया है उसको रिजर्व, यानी कि उसको सुरक्षा देना और वहाँ ह्यूमन मूवमेंट ज़्यादा ना हो, उसका शोषण और दोहन ज़्यादा ना हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना। संपूर्ण क्षेत्र एक जैव भौगोलिक इकाई की तरह होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए जो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पौष्टिकता स्तरों का प्रतिनिधित्व करे और जीवों की आबादी को संभाल सके। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो हम ये कहेंगे कि पूरा एरिया एक भौगोलिक क्षेत्र की तरह दिखना चाहिए और उस एरिया के अंदर हर पौधा, हर जानवर और उस एनवायरनमेंट की हर विशेष चीज़ का ख्याल रखना, उसको सुरक्षा देना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है, ताकि वो हमेशा के लिए, भविष्य के लिए बना रहें और उससे जो प्राकृतिक हमें लाभ होते हैं वो हमें होते रहें। तो ये इसके मानदंड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है, प्रबंधक प्राधिकरण जो होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट प्राधिकरण होता है, उसको वहाँ स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि स्थानीय समुदायों की वो मदद खुद भी कर सकें, स्थानीय समुदाय की मदद से उस एरिया के बारे में समझ सकें और उस जानकारी का उपयोग उन लोगों की भलाई में भी कर सकें और उस एरिया की भलाई में भी कर सकें। तो ये इसके कुछ मानदंड होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। अब मैं बात करूंगी संरचना की, इस पे नहीं जाते हैं, उस मैप पे जाते हैं, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं समझा दूंगी। बायोस्फीयर रिजर्व जोन तीन जोन में बटा होता है। ठीक है, पहली बात तो ये जो जोन है वो जो है वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित विनियमित किए जाते हैं। ठीक है,
अब अगर इसकी बात करें तो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व 3 एरिया में होता है। पहला होता है कोर एरिया, दूसरा होता है बफर जोन और तीसरा होता है ट्रांजेक्शन जोन। अगर इस स्लाइड में हम सिर्फ कोर एरिया की बात करेंगे, कोर एरिया में आप मॉनिटरिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग, इस एरिया को आप सिर्फ मॉनिटर कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं की जा सकती है। फिर इसके बाद में आता है बफर एरिया। बफर एरिया की अगर हम बात करें तो बफर एरिया के अंदर आप एजुकेशन का काम कर सकते हो, आप रह सकते हो, रहने के अलावा यहाँ टूरिज्म का काम हो सकता है, ये सारे काम और रिसर्च के काम भी यहाँ पर हो सकते हैं। और बफर एरिया का जो मुख्य काम होता है वो ये कि ये जो कोर एरिया दिखाई दे रहा है, इस कोर एरिया को मेंटेन रखने में ये मदद करता है। तो ये बफर एरिया हो गया। और थर्ड जो होता है वो होता है ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सारे काम होते हैं, यहाँ लोग रहते हैं, जो मोस्टली वहाँ की आबादी और वहाँ के जो लोग हैं वो यहीं रहते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ टूरिज़्म भी है, यहाँ रिसर्च भी होती है, तो ये सारे काम यहाँ पर होते हैं और ये जो है बाहरी जीवन का हिस्सा भी होता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ फसल, भूमि प्रबंधन, जंगल, मनोरंजन, सारे कार्य, आर्थिक उपयोग के सब कार्य जो भी हमारे आम जीवन में होते हैं सारे इसमें होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ कार्य होते हैं, पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ बातों बातों में, लेकिन अब पर्टिकुलर हम कार्य के बारे में बात करेंगे। ये एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके अंदर महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वहाँ मौजूद सभी पौधों और जानवरों को उनकी विविधता और उनकी विशेषताओं के आधार पर संरक्षण प्रदान करना, यानी कि जो है वो जो था वो आगे भी बना रहे, इसका ध्यान रखना। प्रजातियों के आनुवंशिक विविधता की रक्षा करना, ठीक है, और उनका विकास होता रहे। जैसे आनुवंशिक विविधता की कोई भी प्रजाति कम ना हो और वो एज इट इज़ वैसी ही रहे जैसी वो है, ये इनका मुख्य कार्य होता है। फिर इसके बाद ये आता है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ तो करें, उनका यूज़ करें स्थानीय लोगों को जिससे आर्थिक लाभ हो, लेकिन उससे बायोस्फीयर रिजर्व को कोई नुकसान ना हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें। बहुआयामी अनुसंधान निगरानी के क्षेत्र प्रदान करें और शिक्षा और प्रशिक्षण के सुविधाएं भी हम प्रदान करें। तो ये इसके मोटा माटी मुख्य कार्य होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। अगली स्लाइड में हम देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का जो प्रश्न है वो है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत सरकार द्वारा 22 जून 1998 को एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर यह स्थित है। कथन दो, सिमलीपाल, जिसका नाम सिमूल रेशम कपास के पेड़ से लिया गया है, उपयुक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो लेटरल एंट्री से संबंधित था, जिसका उत्तर है विकल्प डी, यानी कि ये तीनों कथन सही हैं, सारे के सारे कथन सत्य हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित हमारे PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध होते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।